रमजान बाद कुकिंग करूंगी तो ज्यादा करके सी फूड। तो आज मैं बना रही हूँ सूखा थोड़ा सा क्रैब, और जैसे कि खेकड़ा भी बोलते हैं उसको, और थोड़ा सा उसका ग्रेवी। लेकिन जो सूखा बनाने वाली हूँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, जैसे बहुत सारे लोग हैं तंदूर जो खेकड़ा होता वो बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाली हूँ। और ग्रेवी मैं बहुत अलग अलग टाइप की बनाती हूँ, तो आज जो ग्रेवी बना रही हूँ वो आपको बताती हूँ। और माशाल्लाह क्रैब जो है बहुत बड़े साइज़ के, तो सी फूड जिस जो लवर्स है तो उनकी तो बहुत जान बसती है, क्रैब हो और उसी के साथ में जैसे कि बड़े बड़े प्राउन्स हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ों को अलग तरीके से कुक करके खाने में। अब मेरे हाथ में बहुत सारे आपको कड़ी पत्ते दिख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पत्ते यूज़ करेंगे करेंगे। सूखे वाले जो क्रैब हैं जैसे कि ड्राई बनाने वाले थोड़ा सा, तो उसमें क्या मसाला लगेगा वो भी बताती हूँ, और जो ग्रेवी है वो भी बताती हूँ। और डेफिनेटली यार मैं अपने घर के मसाले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो आ जाइए। अब जैसे आपको यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर भी दिख रहा है और यहाँ पे आपको चॉपर भी दिख रहा है, तो मैं दोनों चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में उसको दरदरा पीस सकते हो, जो मैं सूखे वाले जो ड्राई वाले क्रैक बनाने वाली हूँ ना उसके लिए। और बहुत सिंपल सा मसाला है, जैसे अब यहाँ पहले जो मैं ड्राई बनाने वाली हूँ तो उसके लिए ये वाली जो मिर्ची है बहुत टेस्टी भी देती है, और कैसा होता है इसका कलर जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दर दरा जो चीज़ें चाहिए रहती है मुझे, तो इसीलिए मैंने इसको, ग्रीन चिली अगर आप लोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, बट ये वाली जो चिली है ना स्पाइसी टेस्ट देती है पर एक्स्ट्रा टेस्ट इसमें रहता है। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ अचार की भरने वाली जो मिर्ची होती है वो, और उसके साथ में एक अखा बड़ा लहसुन का डल्ली, उसको थोड़ा सा मैं कूट के ली हूँ। और उसी के साथ में जैसे लहसुन अगर हमारी एक डल्ली है तो आधा उसका आधा हमें लेना रहेगा जिंजर, उसको भी मैंने यहाँ पे पत्थर की मदद से कूट के ली हूँ। और खटास के लिए लिया है मैंने दो नींबू का जूस, और इसके साथ में थोड़ा सा जायका अलग हो जाए ये सब चीज़ों के साथ, तो इसीलिए मैंने लिया है एक मैगी मसाला। और टेस्ट के हिसाब से इसमें लगेगा नमक, और जितना आपको भूनने के लिए ख्वाहिश है उतने तेल आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें जैसे कि मैं क्रैब जो है यहाँ पे रखी हूँ अखे वाले, ये देखिए अखे रखी हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सूखा बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए स्टीम की तरह, तो इसीलिए मैंने इसको रखी हूँ अखे। और जो ग्रेवी रहेगा तो उसमें मैंने करी हूँ दो पीस, और जो इसके बारीक वाले जो पैर होते हैं ना तो मैं इसका बनाने वाली हूँ जूस, और इसी जूस में हम बनाएंगे ग्रेवी। अब मसाले जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल से मसाले मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हैवी चीज़ें होती है ना जितने सादे आप मसाले डालो तो उतना ज़्यादा वो टेस्ट देता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गीला नारियल मैंने घिस के ली हूँ, और उसी के साथ में एक बड़ा जो ऑनियन है वो लंबे लंबे कट कर कर ली हूँ, थोड़ी सी ली हूँ हरा धनिया, और टेस्ट के हिसाब से लिया है मैंने ग्रीन चिली क्योंकि इसमें अग्री मसाला जो है वो भी पड़ने वाला है, और टमेटो ली हूँ। जैसे आपको जितना पसंद है आप उतना खट्टा और तीखा कर सकते हो, और इसी के साथ में जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो ली हूँ। और यहाँ पे जैसे आपको मसाले दिख रहे हैं ड्राई वाले, तो ये है चिली पाउडर तीखा वाला और कलर वाला, और ये यहाँ पे जो है अगरी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये चारों चीज़ें इसमें यूज़ होगी। और टेस्ट के हिसाब से लगेगा नमक और तेल। तो सबसे पहले हम करते हैं ड्राई जो हमारा क्रैप है उसका जो मसाला है वो रेडी करते हैं, क्योंकि उसको बनाना रहता स्टीम की तरह, तो हम उसको स्टीम में छोड़ के उसके बाद करेंगे ग्रेवी की तैयारी। इसलिए मैंने कहा था आपको कि मुझे दोनों चीज़ें चॉपर भी यूज़ होगा, मिक्सर ग्राइंडर भी होगा। तो ये जो ड्राई मसाला जो मैं बना रही हूँ ये ड्राई क्रैप के लिए,
तो इसी में आप डाल दीजिए नमक और ये मैगी मसाले की जो पैकेट है ये, और इसको पीस लेना है हमें दरदरा। लेमन जूस जो है वो हम बाद में डालेंगे जब मसाला भूनते रहेंगे। अगर ये नहीं है आपके पास, मैगी मसाले के क्यूब्स भी आते हैं, अगर वो है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ये दरदरा होना चाहिए, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सूखा बना के स्टीम की तरह बनाना रहता है, तो इसीलिए सबसे पहला प्रोसेस जो अगर आप घर पे बनाते हो तो यही करना, क्योंकि जब तक ये स्टीम में रेडी हो तब तक तो हमारी ग्रेवी, स्टीम राइस, सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम ड्राई जो क्रैप है वो बनाते हैं, तो उसके पहले क्योंकि मैं बर्तन जो है बहुत कम यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसीलिए यही कढ़ाई में मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो ग्रेवी का मसाला होता है उसको हमें थोड़ा सा रोस्ट करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच ऑयल और इसमें डालेंगे प्याज। जितना भी आपको ये प्लेट में मसाला दिख रहा है तो ये सारा हमें करना रहेगा रोस्ट, और उसको फिर ठंडा करके इसको एक अच्छा फाइन पेस्ट बनाना रहता है। थोड़ा सा इसको भून लीजिए और इसी के साथ साथ ही हमें डालेंगे इसमें नारियल, हरी मिर्ची, हरा धनिया और 1 में 2 या 3 करके टमेटो। साथ ही साथ अब डाल लीजिए इसमें नारियल और जो हरा धनिया है वो, जो हमारे ऑनियन थे ना थोड़े से पिंकिस्ट, अगर आप जब करते रहते तो आपको खुद को भी अंदाज़ा आ ही जाता है कि जैसे कि पिंक हो गए हैं, तो फिर दूसरा मसाला हमें इसमें डालना रहता है। तो अब ये जो दूसरा मसाला है, क्योंकि नारियल जो है बहुत जल्दी लाल हो जाता है, तो इसीलिए नारियल में थोड़ा सा गीलापन देने के लिए हरा धनिया जो है हमेशा आप उसको साथ में यूज़ कीजिए। ये देखिए मैंने कहा था ना नारियल बहुत जल्दी लाल हो जाता है, तो जैसे ये लाल हो गया है, मसाले भी काफ़ी अच्छे भून गए। तो जो टमेटो है मैंने 1 में 4 पीस करी हूँ, तो हमें जो टमेटो है वो भी भूनना है। भूनना मतलब थोड़ा सा इसको कर लेना है सॉफ्ट, और कच्चापन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है उसकी वजह से। तो बस इसको थोड़ा सा भून के यही प्लेट में निकाल के फिर हमें इसको छोड़ना रहता है ठंडा करने के लिए। इस तरीके से इसको ठंडा करने छोड़ना रहता है, फिर इसके साथ ही साथ ड्राई मसाले जो होते हैं वो भी इसमें ले लेना रहता है। तो ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच भर के 1.5 चम्मच अगरी मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये कलर के लिए भी और टेस्ट के लिए भी जो रेड चिली पाउडर होता है ये लिया है मैंने 1 चम्मच, और नमक जो है मसाला भूनते वक्त हम डालेंगे। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए, और जो हमने यहाँ पे ड्राई मसाले जो पीस के रखे तो चलिए अब इसको भून लेते हैं। जब अच्छा तेल गर्म हो जाए तो आँच को स्लो कर लीजिए और इसको ठंडा भूनकर मसाला इसमें छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा भून जाए तो इसमें डालिए नमक और थोड़ा सा इसका हल्का सा ऑस्टर सॉस जो होता है वो थोड़ा स्वीट होता है और टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट रहता है उसका। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा 1/2 छोटा चम्मच यूज़ करने वाली हूँ ऑस्टर सॉस। बस इसको अच्छे से ऐसे चला लीजिए, क्योंकि ये डालते ही आप देखिए इसमें जो शाइनिंग है बहुत अच्छे से आ जाती है, और कैरेमल जो टेस्ट होता है ना हल्का वाला, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोगों को जो है स्पाइसी खाना पसंद आता है, तो ये हल्का सा कैरेमल जो टेस्ट होता है वो देता है, और स्पाइसी जो रहता है वो अपनी जगह पे रहता है, पर टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। तो ये देखिए अच्छा खासा ये मसाला, और अच्छा भूनना है क्योंकि ये इसमें जो चिली है बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, तो इसीलिए जो उसका कच्चापन है वो पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए। तो उतनी देर हम लोगों को इसको भूनते रहना है। ये देखिए अब इसमें जो जिस चीज़ में हमने मसाला रेडी किए तो वो धो के थोड़ा 1/2 कप पानी लेना है, और इसी के साथ में जो लेमन जूस है वो ले लेना है, बीज बिल्कुल नहीं। और सबको अभी मिक्स करके एक बार नमक का जो टेस्ट है वो चेक करना है। ये इस तरीके से परफेक्ट है।
ये देखिए, क्योंकि ये मुझे स्टीम की तरह बनाना है, तो मैंने रखे हैं अखे वाले क्रैप, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर रही हूँ ताकि जो मसाला है पूरा इसके अंदर लग जाए और ये स्टीम में हम छोड़ दें ढक्कन लगाकर। क्रैब बड़े होने की वजह से क्या होता है, इसको अगर बर्तन बड़े हैं तो इजीली वो हो जाता है, बट छोटे बर्तन हैं तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी रहती है। और स्पून की मदद से जो हमारा मसाला है वो सब जगह पे लगना चाहिए टेस्ट। और फिर इसको ढक्कन लगा के स्लो पे छोड़ना रहता है स्टीम की तरह। ऊपर सारे क्रैप में मसाले कहीं पे भी मसाला छूटा नहीं है, क्योंकि जो ऊपर से स्टीम जाएगा तो टेस्ट जो है इसके अंदर जाना चाहिए, और नीचे जो मसाला और इसी के साथ जो ऑयल है उसी में ये सारे जो क्रैप है बिछे हुए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही, तो आँच है फास्ट, तो आँच को स्लो करना है। जैसे स्लो करेंगे इसकी आवाज़ भी स्लो हो जाएगी। और फिर हम लगा देते हैं ढक्कन, अब बनना चालू होगा स्टीम। और स्टीम में ही इसको 15 से 20 मिनट जो इसका अंदर का मटन है उसके अंदर फ्लेवर और कच्चापन, फ्लेवर जाना चाहिए कच्चापन बाहर आना चाहिए। तो इस तरीके से ये सूखे वाले जो क्रैप है मैंने आज बनाई हूँ। नो तंदूरी, कुछ बारबेक्यू नेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा घर में। इंडियन लोगों को इंडियन मसालों के साथ बहुत पसंद आता है ना ये सब खाना, तो हमें भी ऐसे ही सब चीज़ें जो है घर के बनाए हुए अलग अलग ईजाद करे हुए चीज़ें पसंद आती है। अब बनाना है ग्रेवी। तो ग्रेवी का जैसे मैंने आपको बता दी हूँ मसाला, तो सबसे पहले मैं जो ये इसके छोटे छोटे पीसेस हैं तो ये पीसेस को पीस के इसका मैं बनाने वाली हूँ जूस, क्योंकि उसी जूस में बनने वाला है मेरा जो क्रैप ग्रेवी। कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ इसको बारीक अच्छा सा पीस के थोड़ा सा पानी डाल के और छन्नी की मदद से इसका सारा जो जूस है वो बाहर निकालना रहता है, और जो इसकी क्रीक होती है उसको फेंकना रहता है जूस में। इसके हल्की सी भी क्रीक गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी सारी जो मेहनत है वो पानी में मिल जाएगी। और इसको हमें एक ही बार पीसना रहता है, बार 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 इसको नहीं पीसना रहता। हाँ ये है कि थोड़ा सा इसको पानी में डाल के आप दो बार इसका जूस जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका जो जूस है पूरा निकल जाता है। और अगर आपको कभी खाली क्रैब का जो सूप पीने का दिल चाहे ना, तो ऐसे आप इसका पूरा क्रैब का जो है जूस निकाल सकते हो, और फिर बड़े वाले क्रैब के अंदर का जो मटन होता है मांस होता है वो निकाल के आप कुछ जैसे जिंजर है, गार्लिक है, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स है, ये सब डाल के आप एक अच्छा सा हल्का वाला और बहुत ज़्यादा जायके वाला सूप भी बना के पी सकते हो। ये निकल गया जूस, और ये मैंने पानी से निकाल के छन्नी में रख लिए हैं क्रैप। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि बहुत सारे कड़ी पत्ते हैं जो यूज़ होने वाले हैं, तो अब इसमें यूज़ हो गए कड़ी पत्ते। और यहाँ पर जैसे हमने मसाला ठंडा करने छोड़े हैं तो इसको बनाना है अच्छा वाला फाइन वाला पेस्ट, तो ये सब एक साथ डाल के इसको हमें पीस लेना रहता है। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसमें कड़ी पत्ता जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपने आवाज़ सुन ली ना, ऐसे ही आवाज़ आती है, और आधा भी चाहिए। और फिर इसके बाद जो ये छन्नी में निकाले हुए क्रैप है उसको धूल से छोड़ना है। और इसी के साथ साथ जितना आपको यूज करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मैंने तो लगभग 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, तो इसके साथ में इसको अच्छे से भूनना है। जो उसकी स्मेल होती है ना वो पूरी निकल जानी चाहिए। और जो कड़ी पत्ता है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और हल्का सा भी मैं इसमें नमक भी डालूंगी भूनते वक्त, तो वो सारा जो पेस्ट है इसमें आ जाना चाहिए। और बाकी जो मसाले हैं वो कच्चे तो है नहीं, क्योंकि सारे मसाले हमने भून कर लिए हैं, तो इसको अब छोड़ते हैं थोड़ा सा भूनने के लिए और बना लेते हैं मसाले वाला पेस्ट। ये देखिए काफ़ी अच्छा जो ये है मसाला इसमें अंदर चला गया है,
और बिल्कुल भी जो इसकी एक स्मेल होती है ना, बेसान स्मेल होती है ना, वो पूरी निकल चुकी है, क्योंकि बहुत सारे हमने यूज़ किए हैं कड़ी पत्ते। तो अब इसमें डालना रहेगा जो मसाला हमने पीसे हैं वो, क्योंकि मसाला जो है हमारा पूरा भुना हुआ है, कच्चा मसाला कुछ भी नहीं है, तो मसाला भूनने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसी के साथ साथ जैसे ये मसाला डालने के बाद पानी डालना रहता है, मसाला भूनना रहता है, तो इसमें भी थोड़ा सा हम यही यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो पहले थोड़ा थोड़ा ये मसाला छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं इसका। मैंने मसाला और जो क्रैब का जूस है वो सब डाल दिए सूप। बस लास्ट में जो मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा बहुत मसाला कहीं रह जाता है तो उसको हल्का सा पानी डाल के आप इसमें डाल दीजिए। मैंने भूनने के टाइम पे भी इसमें नमक डाली थी, इसलिए क्योंकि क्रैब में थोड़ा सा नमक का टेस्ट है वो चला जाए। और अब जो बाकी नमक है जो पूरा ग्रेवी को अच्छे से टेस्टदार बनाए, उतना नमक अभी मुझे डालना है, तो अब मैं डालूंगी इसमें नमक। माशाल्लाह यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आने तक मेरा किचन वगैरह सारा हो गया क्लीन। और जैसे मैंने आपको बताई थी कि स्टीम में जब हम छोड़ देते हैं ना, तो उतने देर में हमारी ग्रेवी राइस सारी चीज़ें से हम फ्री हो जाते हैं, तब जाके हमारे जो स्टीम वाले क्रैप है वो तैयार होते। चलिए अब एक नज़र स्टीम क्रैप पे भी देखते हैं। माशाल्लाह अच्छा नीचे पानी छुटा हुआ है, ये पानी जैसे चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हमें गीला करने के लिए, क्योंकि क्रैप बहुत बड़े हैं तो इसीलिए ये बर्तन जो छोटा है इसलिए हम पलट नहीं पाते। ये इस तरीके से जो पानी छूटा हुआ है उसका जायका जो है इसमें आना चाहिए। ये बिल्कुल खाते वक्त हमें ऐसा ड्राई नहीं लगने चाहिए, जूसी लगने चाहिए, जूसी। ये ग्रेवी हो गई रेडी, तो अब इसको निकालते हैं खाने के लिए। और इसी के साथ में यहाँ पर स्टीम क्रैप जो है वो भी रेडी हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं और फिर मिलते हैं टेबल पर। ये रहा ग्रेवी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, और डेफिनेटली जब आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो आपके मुंह में भी आएगा। इसीलिए तरीका पूरा दिखा दियो, बनाना मस्त खाना और मस्त अपने फैमिली को भी खिलाना। और ये वाला क्रैप ज़रूर बनाना, बहुत ईजी रहता है। और आपने देखा स्टीम में जब हम इसको छोड़ देते हैं तो उतनी देर में हमारे सारे काम भी हो जाते हैं और हमारे स्टीम क्रैप जो है वो भी तैयार हो जाते हैं। अब मेरे क्रैप बहुत ज़्यादा बड़े थे, अगर आपको पीसेस करके करना है तो भी कर सकते हो, बट मसाला इसी तरीके से, तरीका इसी तरीके से। और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना कि कौन सी वाली रेसिपी इसमें से, क्योंकि आज की रेसिपी जो बनाई हूँ दो है, एक ड्राई भी है और एक ग्रेवी भी है, तो आपने कौन सा बनाया और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वैसे भी हेटर्स हो या फिर प्यार करने वाले, जब आप लोग लिखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि चलो हमारा वीडियो एटलीस्ट देखते तो है। और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा थोड़े सॉफ्ट, क्योंकि मैं हम हैं साउथ वाले तो हम लोग जो स्टीम राइस जो है ना बहुत खुले खुले खाते, बट ये देखिए थोड़े से स्टिकी राइस टाइप होते, थोड़े ज़्यादा नहीं, तो ऐसे वाले राइस में जो इसकी ग्रेवी होती है ना, और नींबू मार के और उसी के साथ छोटा वाला प्याज को दबा के, लाजवाब। तो आप खाइए और ज़रूर कमेंट के ज़रिए मुझे लिखिए। और मैंने आपसे वादा की थी ना रमज़ान बाद इंशाल्लाह सी फूड के साथ ही शुरू करूँगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, तो आप ज़रूर बनाना खाना। अल्लाह हाफिज़।